एवरीवन, आई एम श्रेया, वेलकम बैक टू माय चैनल। फादर्स डे आने वाला है प्लस लॉकडाउन चल रहा है, तो क्यों ना इस फादर्स डे को हम थोड़ा सा स्पेशल बनाए, पापा को एक छोटी सी अच्छी सी ट्रीट देके, है ना। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही यम्मी, बहुत ही इजी डबल लेयर ओरियो आइसक्रीम, जिसे आप मिनटों में बना सकते हैं। एंड मैंने केक्स की रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर रखी है अपने चैनल पे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 3 पैकेट ओरियो बिस्किट। इसको हम ऊपर से कट करेंगे क्योंकि इसी में ही हमको बनानी है हमारी आइसक्रीम। मिक्सी में ग्राइंड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध, फिर मिक्सी में चलाएंगे। ये रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। अब लेंगे हम ये 3 खाली ग्लास, इसमें मैं रखूंगी ये ओरियो वाले पैकेट, इसी में ही हम बनाएंगे हमारी आइसक्रीम। इसे अब हम इन पैकेट्स में पोर करेंगे। 3 से 4 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे। इसको निकालेंगे बाहर और इसमें डालेंगे आइसक्रीम स्टिक्स। इसे अब हम रात भर के लिए फ्रीजर में रखेंगे ताकि हमारी आइसक्रीम अच्छे से जम जाए। ऊपर की चॉकलेट कोटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ कुछ बादाम। इन्हें हम 10 से 15 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। मेरे बादाम थोड़े से ठंडे हो जाए उसके बाद कट करेंगे, जब तक मैं ऊपर की कोटिंग तैयार कर लेती हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 डेरी मिल्क चॉकलेट्स। इन्हें हम कट करेंगे और इस गिलास में निकाल लेंगे। इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे। कोकोनट ऑयल से काफ़ी अच्छी शाइन आ जाती है चॉकलेट में, इसलिए मैंने ऐड करा है। अब लेंगे हम हमारे बादाम जिन्हें अभी हमने रोस्ट करा है, इन्हें अब बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब इन्हें हम ऐड करेंगे हमारी चॉकलेट में। अब हम लेंगे हमारी आइसक्रीम जो हमने रात भर रेफ्रिजरेट करी थी, उसको हम निकालेंगे इसमें से। ये मैंने मेरी आइसक्रीम को रैपर में से निकाल लिया है, इसको अब हम कोट करेंगे। सो ये आइसक्रीम तो मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, कितनी यम लग रही है देखने में, है ना। इसको हम 1/2 आवर के लिए फिर से रेफ्रिजरेट करेंगे। सो देयर यू गो, माई माउथ वाटरिंग डबल लेयर ओरियो आइसक्रीम इज रेडी टू ईट, सो एंजॉय। सो फ्रेंड्स, आई जस्ट होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, अपने पापा को खिलाइए और उन्हें दीजिए एक छोटी सी ट्रीट। आप चाहें तो उन्हें गिफ्ट्स भी दे सकते हैं, मैंने बहुत सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं फादर्स डे से रिलेटेड, आप उनमें से देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट्स हैं और स्पेशली फादर्स डे के हिसाब से हैं तो बहुत अच्छे हैं, आप उधर जाके देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।